साल 2021 प्रारंभ के साथ श्री डूंगरगढ़ में काफी उथल पुथल सी मची हुई है। यहाँ 5 जनवरी को सारस्वत समाज सहित विप्र बंधु आंदोलन की पुरजोर तैयारियों में जुटे हुए हैं। वहीं किसान आंदोलन के समर्थन में संयुक्त किसान संघर्ष समिति 4 जनवरी को बड़ी बैठक की तैयारियों में जुटी हुई है। इन सबके बीच अयोध्या में श्री राम मंदिर निर्माण के लिए विहित कार्यकर्ता क्षेत्र के प्रत्येक घर को जोड़ने के लिए संपर्क व प्रयास कर रहे हैं। प्रत्येक गांव में टोलियां बनाई जा रही है और मातृशक्ति को भी योगदान करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। नए साल में प्रधान बेटी का श्री डूंगरगढ़ में भव्य स्वागत किया गया तो आज प्रधान बहू को भी नया बेस देकर विकास की बुलावन दी गई। वहीं दो परिवार शराब के नशे के कारण बिखर गए और एक परिवार ने जवान बेटा करंट की चपेट में आने से अकाल मौत का शिकार हो गया। धीरदेसर चोटियां में आपसी मारपीट में मुकदमा दर्ज हुआ और पुलिस ने दो भाइयों को गिरफ्तार किया और एक जख्मी बीकानेर रेफर किया गया। नूतन वर्ष की शुभकामनाओं के साथ मैं हूं आपके साथ कपिला स्वामी और आप सभी का स्वागत श्री डूंगरगढ़ क्षेत्र के पहले डिजिटल बुलेटिन दिन भर में। आइए नजर डालते हैं आज की खास सुर्खियों पर। नव वर्ष में प्रधान बेटी के भव्य स्वागत के साथ आज प्रधान बहू का शहीद राकेश चोटिया की धरा पर सम्मान किया गया। जोधपुर प्रांत प्रचारिका श्री डूंगरगढ़ पहुंची और महिलाओं की बैठक ली। श्री राम मंदिर निर्माण में योगदान का संकल्प दिलवाया। खंड समिति रविवार को गांव में टोलियां बनाने का कार्य करेगी। सारस्वत समाज सभी सनातन धर्मियों सहित 5 जनवरी को प्रशासन के खिलाफ खोलेगा मोर्चा। संयुक्त किसान संघर्ष समिति के बैनर तले वीर तेजा मंदिर में बैठक का आयोजन कर क्षेत्र के गांव में संपर्क किया गया। शराब के नशे में पति ने पत्नी की जान ली, वहीं एक ने नशे में पी लिया जहरीला पदार्थ, हुई मौत। मणकरा सर्किट डंपर चालक युवक की करंट की चपेट में आने से हुई मौत। धीरदेसर चोटियान में आपसी विवाद में हुई मारपीट, दो भाइयों को किया गिरफ्तार, मुकदमा थाने में दर्ज। आइए चर्चा करते हैं विस्तार से। श्री डूंगरगढ़ में 1 जनवरी की शाम नोखा प्रधान व श्री डूंगरगढ़ की बेटी रामप्यारी देवी तर्ड व उनके प्रतिनिधि आत्मानाम तर्ड का भव्य स्वागत किया गया। भाजपा कार्यालय में देहात जिला अध्यक्ष ताराचंद सारस्वत के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ताओं ने उत्साह के साथ आत्माराम तर्ड का स्वागत किया। तर्ड ने अपने ननिहाल से मिलने वाली बुलावन मानकर सभी का सहयोग करने की बात कही। स्वर्गीय अन्नाराम जानी कालुवास की पुत्री रामप्यारी देवी के स्वागत समारोह में जानी परिवार सहित भाजपाइयों ने पलक पावड़े बिछा दिए। उनके भाई मखाराम जानी ने बहन को 1.5 लाख रुपयों की माला पहनाई। महिलाओं ने 51 किलो गुलाब के फूलों से उनका स्वागत किया, वहीं 71 किलो सिक्कों से उन्हें तोला गया। समारोह में नोखा विधायक बिहारी लाल विश्वई, जिलाध्यक्ष ताराचंद सारस्वत, नोखा व श्री डूंगरगढ़ तहसील के सरपंचों, पंचायत समिति सदस्यों, जिला परिषद सदस्यों ने बड़ी संख्या में भाग लिया। वहीं शहर व ग्रामीण के भाजपा कार्यकर्ता भी उपस्थित रहे। वहीं दूसरी ओर श्री डूंगरगढ़ प्रधान सावित्री देवी गोदारा और प्रधान प्रतिनिधि का स्वागत शहीद राकेश चोटिया की धरा धीरदेसर चोटिया में आज किया गया। प्रधान को 21,000 की माला पहनाई गई और जिला प्रमुख मोडाराम मेघवाल को भी 21,000 की माला पहनाई गई। प्रधान प्रतिनिधि केसराराम गोदारा का साफा में माला पहनाकर सम्मान किया गया। गोदारा ने युवाओं से शिक्षा के प्रति गांवों में जागरूकता लाने की बात कही व समस्त ग्रामीणों का आभार व्यक्त किया। समारोह में ब्लॉक अध्यक्ष मूलाराम थोरे, जिला परिषद सदस्य हरिराम गोदारा, टेमाराम मेघवाल, पंचायत समिति सदस्य जसोदा देवी भादु, अनिता देवी सारण, सीमा कड़वासरा, सुशीला देवी बिश्नोई, रुक्मणी देवी, सावित्री देवी, राम प्रताप और विमल भाटी, सीताराम माना, प्रभुराम गोदारा, राजेश मंडा, हेतराम जाखड़ सहित कई कांग्रेसी नेताओं का स्वागत किया गया। सभी अतिथियों ने शहीद को श्रद्धांजलि देकर शहीद के प्रति सम्मान प्रकट किया। धीरदेसर चोटिया के सरपंच रामचंद्र चोटिया, बार एसोसिएशन के अध्यक्ष गोपीराम जानो ने सभी का आभार व्यक्त किया। श्री डूंगरगढ़ में आज राष्ट्र सेविका समिति जोधपुर प्रांत की प्रांत प्रचारिका ऋतु शर्मा के मार्गदर्शन में शहर की महिलाओं व युवतियों ने श्री राम मंदिर निर्माण में अपना योगदान निभाने का संकल्प लिया। डीपी क्लासेस में आयोजित बैठक में शर्मा ने कहा
कि श्रीराम मंदिर निर्माण में मातृशक्ति को अपनी भूमिका आगे आकर निभानी है और बैठक का प्रारंभ उन्होंने श्रीराम गीत से किया। समर्पण निधि कार्यक्रम के बारे में विस्तार से जानकारी दी। तमन्ना झापक ने बैठक में देशभक्ति गीत प्रस्तुत किया और बैठक का समापन शांति पाठ से किया गया। बैठक में पूर्व पार्षद निशा बोहरा, किरण जोशी, सुधा डागर, संजू तापड़िया, अमृता गुप्ता, सुमन वर्मा, विजयलक्ष्मी स्वामी, गायत्री देवी, मोनिका, अनामिका, दीपिका, श्वेता सहित कई युवतियों में महिलाओं ने भाग लिया। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र निधि संकलन समिति श्री डूंगरगढ़ खंड के ग्रामीण क्षेत्रों में घर घर संपर्क करने हेतु टोली का निर्माण करने के लिए प्रवास योजना बनाई गई है। खंड पालक बेराराम ढूडी ने बताया कि समिति के कार्यकर्ता रविवार को गांव गुसई सर, श्री डूंगरगढ़ उपखंड के तोलिया सर, आड़ सर, लाखन सर, उद्रा सर, गुसई सर, पुनरा सर, दुर्जा सर व सेरोना पहुंचकर संकलन कार्य संचालन हेतु टोलियों का निर्माण करेंगे। नगर पालिका की नेशनल हाईवे पर सारस्वत कुंडिया ट्रस्ट के यज्ञशाला में मंदिर छात्रावास में अतिक्रमण के नाम पर की गई तोड़फोड़ के विरोध में शुक्रवार को समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष सत्यनारायण तावड़िया मौके पर पहुंचे और प्रशासन की कार्रवाई का पुरजोर विरोध जताते हुए सभी समाजों से 5 जनवरी को हल्ला बोल प्रदर्शन में आने का आह्वान किया। वहीं कई संगठनों ने अपना समर्थन देते हुए विरोध में शामिल होने की घोषणा की है। शुक्रवार को बहुजन समाज पार्टी के बीकानेर प्रभारी पवन ओझा ने भी प्रदर्शन को समर्थन देते हुए शामिल होने की बात कही। कस्बे के राजेश शर्मा ने पत्र जारी कर सभी समाजों को आंदोलन में भाग लेने की अपील करते हुए कहा कि पालिका के इस अन्याय को सहन नहीं किया जाएगा। वहीं दूसरी ओर संयुक्त किसान संघर्ष समिति के संयोजक सोहनलाल गोदारा की अध्यक्षता में वीर तेजा मंदिर में शुक्रवार को एक बैठक बुलाई गई। बैठक में आगामी 4 जनवरी को किसानों की बड़ी बैठक आयोजित करने की घोषणा की गई। बैठक में किसान चेतना मंच के हरिराम गोदारा, जाट महासभा के पूनम चंद्र नैन, कर्मचारी नेता बालाराम मेघवाल, छात्र नेता संदीप कुमार मेघवाल सहित अनेक किसानों ने भाग लिया और काले कानून का विरोध किया। आज समिति ने श्री डूंगरगढ़ तहसील के गांव बेणीसर, लखासर, जोधासर, सेरोना, सूरसर, लेखमीसर, बापेऊ, उपनी, कल्याणसर, धनेरू और बाना गांव में प्रचार कर अभियान चलाया। आज के जनसंपर्क में प्रकाश गांधी, संदीप जयपाल, नारायण नाथ सहित अनेक कार्यकर्ताओं ने गांव में किसानों से आंदोलन में भाग लेने का आह्वान किया। श्री डूंगरगढ़ क्षेत्र के गांव कल्याणसर नया में 31 दिसंबर की रात को एक शराबी पति ने अपनी पत्नी के साथ लाठियों से मारपीट कर पत्नी की जान ही ले ली। श्री डूंगरगढ़ थानाधिकारी वेदपाल शिवराण ने बताया कि आरोपी पति ओम प्रकाश मेघवाल आदतन शराबी है और आए दिन अपनी पत्नी के साथ मारपीट करता था। उसने गुरुवार रात को भी शराब के नशे में अपनी पत्नी विमला देवी से मारपीट की और मारपीट में लगी चोटों के कारण उसने दम तोड़ दिया। ओम प्रकाश उसके शव को कमरे में बंद कर मौके से फरार हो गया। मृतका के पीहर बीकानेर के कोटड़े निवासी बमराराम मेघवाल को आरोपी की बहनोई ने घटना की सूचना दी। बमराराम मौके पर पहुंचा और बेटी की मौत की सूचना पुलिस को दी। मौके पर श्री डूंगरगढ़ सीओ धर्माराम गीला, थानाधिकारी वेदपाल शिवराण पहुंचे और सभी कार्यवाहियों को अंजाम दिया। मृतका के पिता ने आरोपी ओम प्रकाश के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज करवाया है। श्री डूंगरगढ़ उपखंड में शराब के नशे में पति ने पत्नी की हत्या कर दी। वहीं गांव बेड़ेसर में एक युवक ने नशे में जहरीला पदार्थ पी लेने से मौत का शिकार बन गया। गांव के शीशपाल सिद्ध ने मर्द दर्ज करवाते हुए पुलिस को बताया कि उसका 34 वर्षीय बड़ा भाई गुलाबनाथ सिद्ध आदतन शराबी था और 4 दिन पहले शराब के नशे में घर आया और वहां पड़ा जहरीला पदार्थ का सेवन कर लिया और उसकी तबीयत बिगड़ने के कारण परिजन उसे पीबीएम अस्पताल में भर्ती करवाने ले गए, जहां इलाज के दौरान शुक्रवार को उसकी मौत हो गई। पुलिस द्वारा इस संबंध में मर्ग दर्ज कर ली गई। श्री डूंगरगढ़ के गांव देवदेसर चोटियां निवासी किशनलाल जाट ने इसी गांव के 4 सगे भाइयों के खिलाफ रास्ता रोक कर कुल्हाड़ी, सरिया और लाठियों से मारपीट करने का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज करवाया है। किशनलाल ने पुलिस को बताया कि शुक्रवार रात्रि को अपने भाई कानाराम के साथ गांव में एक खाने के प्रोग्राम में शामिल होने जा रहा था। रास्ते में उप स्वास्थ्य केंद्र के पास आरोपी बलवीर ओम प्रकाश, किशनलाल, शंकरलाल ने कुल्हाड़ी, सरिया और लाठियों से उन पर हमला कर दिया। हमले में किशनलाल के सर व हाथ में चोटें आई हैं और कानाराम की उंगली कट गई। शोर मचाने पर अन्य ग्रामीणों ने उन्हें छुड़वाया वे श्री डूंगरगढ़ चिकित्सालय लेकर आए, जहां कानाराम को गंभीर चोट आने के कारण बीकानेर रेफर कर दिया गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच एएसआई ईश्वर सिंह को सुपुर्द कर दी है।
ये थी आज की खास खबरें। कल फिर हाजिर होंगे हमारे क्षेत्र की खास खबरों के साथ। आप जुड़े रहिए श्री डूंगरगढ़ टाइम्स के साथ। हम आप तक पहुंचाते हैं हमारे क्षेत्र के सभी प्रामाणिक और विश्वसनीय खबरें, हमारे क्षेत्र के सभी राजनीतिक, आपराधिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक खबरों से अपडेट रहने के लिए आप जुड़े हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से। लाइक करें हमारे फेसबुक पेज को और चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर करें। शुभ रात्रि।